दोस्तों आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। राजेंद्र के पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह पीर बाबा ने उस रात राजेंद्र को उस बुरी शक्ति से बचा लिया, मगर उस हादसे के बाद राजेंद्र के साथ क्या हुआ, क्या कुछ ऐसा उनके साथ दोबारा हुआ, आइए जानते हैं इस भाग में। राजेंद्र उन लोगों में से था जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को एक सिरे से नकार देते हैं, मगर राजेंद्र के साथ घटी इस घटना ने उसे बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। अब राजेंद्र इन सभी बातों पर विश्वास करने लगा था और साथ ही उनकी मान्यताओं को भी मानने लगा था। अभी भी राजेंद्र उसी कार्यालय में काम कर रहा था जिस कार्यालय से लौटते वक्त आधी रात को राजेंद्र ने उस महिला को लिफ्ट दी थी, और अभी भी राजेंद्र उसी रास्ते से आता जाता है, मगर देर रात होने पर वो अब कार्यालय में ही रुक जाता है। ऐसे ही एक रोज जब राजेंद्र को कार्यालय में काम करते वक्त रात हो गई तो उसने घर जाना बेहतर नहीं समझा, लिहाजन वो रात को कार्यालय में ही रुक जाता है। मगर देर रात राजेंद्र के घर से फोन आया जिससे पता चला कि उनकी बेटी मीठी की तबीयत बेहद खराब हो गई है, इसलिए उन्हें घर जाना ही होगा। रात होने के कारण राजेंद्र ने अपने दोस्त उपेंद्र को साथ में ले लिया और वो दोनों स्कूटर से उसी रास्ते से घर की ओर निकल जाते हैं। राजेंद्र और उपेंद्र कुछ दूर पहुंचे ही थे कि अचानक से उपेंद्र को एक झटका लगा जिस वजह से राजेंद्र का स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। स्कूटर को संभालते हुए राजेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, तुम हिले क्यों? उपेंद्र ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बस सामने देखकर चलाओ। वो दोनों और आगे पहुंचे ही थे कि तभी राजेंद्र को पीछे से एक आवाज आई, उस दिन तो तू बच गया था पर अब नहीं बच पाएगा। इतना सुनते ही राजेंद्र के प्राण सूख गए और उसके हाथ पांव कपकपाने लगे। कपकपाते हुए राजेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उपेंद्र की आंखें एकदम लाल सुरख हैं और वो जोर जोर से हंसने लगा। राजेंद्र बेहद घबरा गया और कपकपाने लगा कि तभी उसका स्कूटर डिसबैलेंस हो गया जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर गए। राजेंद्र ने उपेंद्र की तरफ देखा तो उसने पाया कि वो मर चुका है। अब राजेंद्र अकेला ही उस सुनसान रोड पर है और वो बेहद घबरा रहा है। जैसे ही राजेंद्र ने उठने की कोशिश की कि वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आकर राजेंद्र के सीने पर बैठ गई। राजेंद्र छटपटाने लगा और मदद की गुहार करने लगा। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और उस चुड़ैल ने राजेंद्र का गला पकड़ लिया। राजेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये मेरा आखिरी दिन है कि अचानक ही उसके मुंह से एक आवाज निकली, हे भगवान मुझे बचा लो। कि तभी वहां पर अचानक ही एक बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने अपने हाथ में कमंडल में से पानी लिया और उसे पढ़कर उस चुड़ैल पर फेंका कि वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और उस चुड़ैल में आग लग गई। बाबा ने उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया और वो बाबा वहां से गायब हो गए। राजेंद्र ये सब नज़ारा देखकर दंग रह गया और उसने मन ही मन उस बाबा को प्रणाम किया। दोस्तों राजेंद्र ने उस दिन के बाद उस कार्यालय से नौकरी छोड़ दी और रात के समय उस सुनसान रास्ते से जाना भी बंद कर दिया था। तब से वो चुड़ैल राजेंद्र को कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।